बारिश दिल्ली एनसीआर में ही हो रही है, और साथ ही राजस्थान की बात करें तो वहां भी मॉनसून ने जबरदस्त तरीके से दस्तक दे दी है। वहां भी लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, और कई ऐसे जिले हैं राजस्थान में जो गर्मी से बेहाल थे, जहां बारिश से लोगों को अब तपती गर्मी से राहत मिल गई है। जी हाँ, देखिए यहाँ तो हम दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन बात हम राजस्थान की अगर करें तो वहां भी ऐसी ही बारिश देखने को मिल रही है। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव हो गया है, जिससे कि आने जाने वालों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। एक तरफ तो राहत लेकर आई है ये बारिश, लेकिन दूसरी तरफ मुसीबत कैसे बनी है दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। राजस्थान में मॉनसून की एंट्री जोरदार तरीके से हुई है। भारी बारिश से एक तरफ जहां लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिली है, वहीं कई जगहों पर ये बारिश परेशानियों का सबब बन गई है। जोधपुर की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि आसमान से किस कदर आफत बरस रही है। जहां तक नजर जा रही है, सिर्फ जल प्रलय जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरों में दो ऑटो नजर आ रहे हैं, लेकिन इन ऑटो के पहिए नजर नहीं आ रहे, घुटनों तक पानी भरा है। सड़कों पर पानी भरा होने की वजह से रफ्तार थम गई है, गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। घर, गली, मोहल्ले, बाजार सब भारी बारिश का सितम झेल रहे हैं। कहीं बारिश के पानी में वाहन खराब हो जा रहे हैं, तो कहीं जल भराव के चलते पैदल चलना तक मुश्किल हो रखा है। हालात ऐसे हैं कि जैसे किसी उफनते दरिया ने रिहायशी इलाकों का रुख कर लिया हो। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, कुछ दिखाई दे रहा है तो सिर्फ सैलाब। राजस्थान के पाली में भी भारी बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। गली मोहल्ले स्विमिंग पूल जैसे नजर आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हालात में भी मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, वाहनों को इसी पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। दो घंटे की बारिश ने पूरे शहर को भिगो कर रख दिया।